हेलो पीपल, मैं भरत आचार्य, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085 हिंदी में। यस, आपके स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट की वजह से हम ये पूरा 8085 का कोर्स हिंदी में बना रहे हैं। तो अभी ये 10वां वीडियो हम बना रहे हैं। हमने इंस्ट्रक्शन सेट के एक एक ग्रुप पे एक वीडियो बनाया है, ये 4th वीडियो है उसका, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप। वैसे देखा जाए तो ये सबसे छोटा ग्रुप है, 7 तो इंस्ट्रक्शन है, अनकंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप, फिर अनकंडीशनल कॉल, कंडीशनल कॉल, अनकंडीशनल रिटर्न, कंडीशनल रिटर्न और RSTN, कितने हुए? खाली 7। मगर ये 7 इंस्ट्रक्शन सीखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ए, ये बहुत पेचीदा इंस्ट्रक्शन है, बी, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाले इंस्ट्रक्शन है प्रोग्रामिंग में। एड टू नंबर से अगर आगे बढ़ना चाहते हो, असली प्रोग्राम करना चाहते हो, तो आपके प्रोग्राम में लूप्स होंगे, जंप्स होंगे, कंडीशनल जंप होंगे, कभी कैरी है तो ये करना है, कैरी नहीं है तो ये करना है, रिजल्ट 0 है तो ये करना है, एट्सेट्रा। कभी फंक्शन कॉल करने हैं, जब बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो खाली सीधा सीधा प्रोग्राम थोड़ी लिखते हैं, उसको मॉड्यूलर तरीके से लिखते हैं। कहने का मतलब है फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस को हमारे सब्जेक्ट में बोलते हैं सब रूटीन। सब रूटीन पे जाने के लिए जंप नहीं यूज़ करते हैं, कॉल यूज़ करते हैं, और फिर वापस आने के लिए रिटर्न यूज़ करते हैं। उसमें भी कंडीशनल कॉल होते हैं, कंडीशनल रिटर्न, और फिर वही कॉल करने का एक शॉर्टकट होता है जिसको बोलते हैं RSTN। RSTN को सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी बोला जाता है। ये सब हम सीखने वाले हैं। अगर आपको पता हो, कॉल इंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा टाइमिंग डायग्राम है आपके सब्जेक्ट में, 18 टी स्टेट का टाइमिंग डायग्राम। वो क्यों होते हैं, उस बात की नींव भी कॉल इंस्ट्रक्शन सीखते वक्त ही पता चलती है। हाँ, टाइमिंग डायग्राम के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, मगर उसका फाउंडेशन जब इंस्ट्रक्शन सीखते हैं तब होता है। तो इसमें हम सारे इंस्ट्रक्शंस को डिटेल से सीखने वाले हैं। मैं आपको सिखाऊंगा लूप्स कैसे बनाते हैं, इनफाइनाइट लूप कैसे बनाते हैं। इनफाइनाइट लूप्स यूज होते हैं, ऑफ कोर्स यूज होते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल डिजिटल क्लॉक, इस बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा। फिर फाइनाइट लूप कैसे बनाते हैं, कंडीशनल जंप्स पे कौन से कंडीशंस होते हैं, वो कौन से फ्लैग्स पे डिपेंड होते हैं, एट्सेट्रा। तो बड़ा डिटेल वीडियो है ये। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो, ठंडे से दिमाग से देखना, क्योंकि खाली आप ये 7 इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो ऐसे मत सोचना, इसका इफेक्ट आगे के पूरे सब्जेक्ट में आएगा। जब आप डिवाइस प्रोग्रामिंग करोगे, जब आप इंटरप्ट्स का प्रोग्रामिंग करोगे, हर जगह पे इधर की सीखी हुई बातें काम आएंगी, ठीक है। तो ये है हमारे पूरे वीडियो का समरी। अब ये पूरा वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप हमारे वेबसाइट पे आइए, www.bharatacharyaeducation.com। यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रोसेसर्स के कोर्सेज ऑलरेडी बना के रखे हैं इंग्लिश में। 8085 का कोर्स इंग्लिश में बना हुआ है, हिंदी में हम बना रहे हैं आप स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट से। 10 वीडियो, ये 10वां वीडियो है हम जो ऑलरेडी बना रहे हैं, तो काफ़ी आगे बढ़ गया है कोर्स। हम दिन में दो तीन वीडियो शूट करते हैं, तो एक्सपेक्ट है विद इन 1 मंथ ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जितना जल्दी आप ज्वाइन करते हो, उतने कम फीस में आपको जब भी ये कोर्स मिलता है। हम कोई भी कोर्स जब रिलीज करते हैं तो उसकी फीस एकदम कम रखते हैं। जैसे जैसे उसमें लेक्चर्स बढ़ते हैं, कंटेंट बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है, तो उसके साथ फीस भी इंक्रीज होते हैं। इवेंचुअली जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसकी फीस हो जाएगी 1199 जो बाकी ये सारे कोर्सेज की है। तो आपके हाथ में, जितना जल्दी आप ज्वाइन करते हो, कोर्स तो आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आपका सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए वैलिड है। उसमें जितने वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं और जितने वीडियो मैं और डालूंगा ये कोर्स में कंप्लीट करने के लिए, सारे आपको मिलेंगे अप टू 6 मंथ्स। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन कर दो उसमें आपका फायदा है। इसके साथ आपको PDF भी मिलते हैं। हाँ, हर वीडियो के साथ PDF मिलता है जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, जो आपको स्टडी मैटर लगता है, एग्जाम्पल्स है, सर्किट डायग्राम्स है, एज एंड व्हेन जो टॉपिक है उसके हिसाब से। प्लस आपको PDF मिलता है वाइवा क्वेश्चंस का, प्लस आपको PDFs मिलते हैं MCQ के, जो नया ट्रेंड चालू हो गया ये पैंडमिक के वजह से। एग्जाम पैटर्न चेंज हो गए और अच्छे हो गए हैं, वो बड़े बड़े आंसर लिखना, वो रटने का काम अभी कम होते जा रहा है, अब समझदारों का एग्जाम हो गया है। जिसको टॉपिक समझ में आता है वही MCQ सॉल्व कर सकते हैं, कि MCQ में बहानेबाजी, उधर इधर का सेंटेंस घुमा के लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। एक क्वेश्चन देंगे, नीचे 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको करेक्ट वाला सेलेक्ट करना है। वो तभी कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपको MCQs का प्रिपरेशन, वाइवा का प्रिपरेशन, पूरा थियरी का प्रिपरेशन सब मिलेगा आपको, और कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है टू मी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
एक बार आप मेरे स्टूडेंट बन जाते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। जब भी आपको डाउट हो, फोन उठाओ, मेरे को टेक्स्ट करो, सर ये मेरा डाउट है, कोई सर्किट समझ में नहीं आ रहा है, फोटो भेजो, लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आ रही है, स्क्रीनशॉट भेजो, तुरंत मैं रिप्लाई कर दूंगा। जनरली रिप्लाई कुछ एक दो घंटे के अंदर आ जाता है, अगर मैं बहुत बिजी हूं बाय द एंड ऑफ द डे, मगर रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, होप टू सी यू देयर, विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल।